नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल द नीव फाउंडेशन पर। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा फिजिक्स पे रहेगा। फिजिक्स के जो 25 क्वेश्चन रहेंगे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये हम आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, ये सेट नंबर वन है, ये फिजिक्स का है। पहले मैं करा चुका हूँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, तो वो आप देख सकते हैं जाकर। और ये जो रहेगा फिजिक्स के रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे, हम इनको जो है डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रुप डी के लिए, ठीक है, RRC ग्रुप डी के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो है ये सेट पेपर वन, ठीक है। चलिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो द नीव फाउंडेशन के नाम से इस तरह से आएगा, आप जो है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और अभी आपको इस तरह का प्रैक्टिस होते रहे इसकी, ठीक है, क्वेश्चनों की। चलिए देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन है एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी या सी या डी, क्या होगा इसका ऑप्शन, इसका आंसर होने वाला है आपका 6.023 × 10²23, ठीक है। ऑलरेडी टिक लगे हुए हैं तो आपको ये जो है याद करना रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, प्रकाश वर्ष, एम्पियर या धारा, तो क्या होगा टू का ऑप्शन नंबर ए, ओके। और एक प्रकाश वर्ष है किसके बराबर होगा, ऑप्शन है आपके पास चारों, तो इसमें से 9.46 × 10²15 मीटर, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको आंसर बताना रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन होगा इसका ए 0.2642, ओके। चलिए नेक्स्ट है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा, ठीक है। एक फर्मी में कितने मीटर का होता है, ठीक है, ये देखिए तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, लॉगरिथम के आविष्कार कौन है, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है, ऑप्शन नंबर ए रिचर्ड डे, वाल्टर या जॉन नेपियर या वाट्सॉ, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका जॉन नेपियर, ओके। जॉन नेपियर जो है लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहेगा, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक, आज तो इसमें जो है क्वेश्चन में जो टिक लगे हुए हैं तो आपको आसानी से ये इसके आंसर बन रहे होंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा उसमें इस तरह का नहीं लगा रहेगा, ठीक है। तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन इसमें लगा हुआ है वैसे तो टिक, तो मैक्स प्लांक ही हैं, ठीक है, क्वांटम सिद्धांत जो है मैक्स प्लांक, ओके। नेक्स्ट, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए कक्षा की त्रिज्या पर। देखिए क्या होता है, आप जो है क्वेश्चन, ये जो मैं क्वेश्चन आपको लगवा रहा हूँ, आप सबसे पहले इस टाइम पे ग्रुप डी के लिए, अभी 17 अगस्त से एग्ज़ाम है ना, 17 अगस्त से स्टार्टिंग होगी, मे बी चल सकता है काफ़ी समय चलेगा क्योंकि ग्रुप डी के काफ़ी फॉर्म भी फिल होते हैं इसमें, तो 2 महीने बचे हुए हैं, तो आपसे अभी जो पढ़ने का जो तरीका रहेगा, स्ट्रेटेजी रहेगी, वो मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो में लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो आप जो है अभी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, क्योंकि अब देखिए सिलेबस आप करने बैठेंगे ना 2 महीने में,
यदि आप सोचेंगे कि अब मैं कोर्स पढ़ने बैठूंगा कि जो भी है उसका कंप्लीट करूंगा एक बार, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा इसको फाइट कर सकें। ठीक है, तो एक इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपका जो है इस पर बना दूंगा। ठीक है, तो अभी जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन लगाइए, और मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो, करंट अफेयर्स हो, या ये आपका साइंस वाला सेगमेंट हो, है ना, साइंस, जीके, जीएस, ये सभी होता है। तो इसका बेसिकली आप बस ये कीजिएगा कि जितने ज़्यादा हो सकें क्वेश्चन सेट, ये सेट पेपर हैं, इस तरह से इनको लगाएं, याद करिएगा। ठीक है, 2 महीने में इतनी अच्छी आपकी बेस्ट क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ कि यदि आपका 5000 क्वेश्चन यदि आप अपने पास रखते हैं याद करके, तो फिर जो है कि दुपट्टी आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जीके, जीएस, 5000 क्वेश्चंस। ठीक है, साइंस सेगमेंट में आप, मेरे को बता रहा हूँ मैं, और जीके और फिर जनरल जैसे होता है हिस्ट्री पॉलिटी, है ना, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी ये होता है, तो इसमें से भी 5000 क्वेश्चन रखें। ठीक है, 10000 क्वेश्चन आप रखिएगा, एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप में इसमें। ठीक है, तो बस ये है कि लेकिन क्वेश्चन ऐसे आप याद रखें कि ऐसा नहीं है कि रट लिए हैं उसको, है ना। तो चलिए, आप इतना क्वेश्चन याद रखिएगा, काफ़ी हो जाएगा ये। ठीक है, सफिशियंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या कोई नहीं। देखिए, इसका टॉपिक मैंने कल ही ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टॉपिक वाइज जो लोगों को पायलट के लिए जो चल रहा है कोर्स, उसमें मैंने आपको कराया हुआ है कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर में, वहाँ से आप जाकर इसको देखिएगा कि घड़ी की चाबी संचित ऊर्जा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा इसका आंसर रहेगा, है ना, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि उसमें जब घड़ी की चाबी हम भर देते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। ये बेसिकली मैं पूरा समझा चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर एक बार देख सकते हैं, है ना, प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप जाइएगा पूरा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। और क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। ये भी मैंने कराया हुआ है, इसमें जो गतिज ऊर्जा और संवेग का जो संबंध है, ठीक है, तो वो मैंने कराया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, पूरा पूरा प्रॉपर समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी आप इसमें याद कर लीजिए, याद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बार यदि आपको समझ नहीं आता है तो वहाँ से जाके आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 125% बढ़ जाएगी। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ये दोनों तरंग रहती हैं, इसको जो है सिलेबस में कम्प्लीट करा दूंगा मैं, और इसका अभी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, कहाँ हो सकती हैं, सभी माध्यम में हो सकती हैं। ठीक है, 13 का ए। चलिए, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, तो 14 का आंसर सी, हवा में। ठीक है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। तो इसका सबसे सिंपल ऑप्शन है प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। और 16, पनडुब्बी आधारित है, पनडुब्बी जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये रहेगा बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा ये, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये आधारित रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि समुद्र गहरा होता है, या समुद्र काफ़ी दूर तक फैला रहता है, या समुद्र में ज्वार भाटा आता है, या समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन यही आंसर है इसका। ठीक है, 17 का डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जबकि उसकी आवृत्ति हो, कितना हो, ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के बीचों हो, या 20 हर्ट्ज़ से अधिक हो, या 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक हो, या 20 हर्ट्ज़ से कम हो। तो ऑप्शन ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, 18 का डी इसका आंसर रहेगा, 20 हर्ट्ज़ से कम होने पर अपश्रव्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए,
यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या चार गुना हो जाएगा? तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा ए, आधा हो जाएगा। ठीक है। और ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे हैं ऑब्वियसली अनुदैर्ध्य तरंगे हैं ये, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है, दोगुनी होती है, चौथाई होती है, या तीन गुनी होती है? तो किस तरह की होती है? ऑप्शन नंबर ए, आधी होती है, है ना। चलिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, जो आपका साइड मिरर लगा होता है बाइक में, वो उत्तल दर्पण के ही बने होते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, ये भी आता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा, या वास्तविक उल्टा, या वास्तविक सीधा, या काल्पनिक उल्टा, चारों में से क्या होगा बताएं? क्या होगा? काल्पनिक और सीधा। चलिए, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होगा? ध्वनि तरंग का मतलब ये प्रकाश तरंग जो है किसका उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ तरंग का, या पराबैंगनी तरंग का, या कोई नहीं इनमें से? तो ऑप्शन ऑलरेडी लगा हुआ है, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, क्या होगा? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अवतल, उत्तल, उभयोत्तल, या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ई बराबर एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित करता है, किसको? आइंस्टीन ने दिया हुआ था। ठीक है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, इसको बोला जाता है सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, सापेक्षता का ये सिद्धांत कहा जाता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ एम होता है द्रव्यमान, सी होगा प्रकाश का वेग। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी कर चुका है, आप कार्य ऊर्जा मात्रक वाला जो चैप्टर है उसमें आप जाकर देख सकते हैं, पूरा प्रॉपर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आइंस्टीन बी। ठीक है, और थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, रेडियम में, पोलोनियम में, किसमें बदला जा सकता है? क्या होगा? प्लूटोनियम में। ठीक है, प्लूटोनियम में, पोलोनियम और रेडियम, ये भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ये है। चलिए ठीक है, फ्यूज़ के पदार्थ का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए फ्यूज़? जो आपने देखा होगा, है ना, फ्यूज़ जो लगा रहता है उसका कैसा गलनांक होना चाहिए? गलनांक निम्न होना चाहिए, क्योंकि निम्न इसलिए होना चाहिए, यदि ये निम्न नहीं हुआ, ठीक है, जैसे बाहर लगा हुआ होता है ना, फ्यूज़ लगा हुआ होता है, और यदि ये गलनांक इसका उच्च रहा, मतलब हाई वोल्टेज या कुछ भी होता है, तो आपके जो अप्लायंस लगे हुए हैं वो जल जाएंगे, या फिर उनको क्षतिग्रस्त, डैमेज हो जाएंगे वो, है ना। तो उनसे बचने के लिए फ्यूज़ के पदार्थ जो रहता है, फ्यूज़ का जो सब्सटेंस रहता है, उसका निम्न गलनांक रहता है, यदि वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो वहीं के वहीं वहाँ पर टूट जाता है, ठीक है, गल जाता है। ठीक, तो निम्न गलनांक होना चाहिए फ्यूज़ के पदार्थ का, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? एक्स किरण है, या एक्स किरण इसमें, या पराबैंगनी किरण, या अवरक्त किरण है? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन थे हमने जो किए हैं, इनको ध्यान से आप याद करिएगा, डेली आप इनको पढ़ें, ठीक है, ताकि आपको ये एक तरह से पूरी प्रॉपर याद हो सके, राइट। तो चैनल पर अभी तक आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये चैनल का नाम है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।